दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल पे मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे आपको पेट्रोल पंप से बारे में नॉलेज दिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा। अगर फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आपको 17 अक्टूबर तक का टाइम है, आप इस बीच में फॉर्म को फिलअप कर दें। अब आगे कोई ऐसा चांस नहीं है, डेट बढ़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना लें और फॉर्म को अप्लाई कर दें। और उसमें कोई भी आपको इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन मेरी कंसल्टेंसी नंबर दी गई है, आप उस पर कंसल्टेंसी पे करके आप बात कर सकते हैं और ऑनलाइन भी फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों, वीडियोस तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं और उन वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। मैंने कोशिश किया है कि उन कमेंट्स का रिप्लाई करूं, बट कुछ कमेंट्स छूट गए हैं। तो मैं दोस्तों आज आपको उन कमेंट्स पे, जो भी कमेंट्स आए हुए हैं, उन कमेंट्स पे आपको आंसर देने जा रहा हूं। क्या उनके क्वेश्चन है और क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए, क्या उसका आंसर होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपके भी हो सकते हैं या आपके किसी भी जानने वाले को हो सकते हैं, तो उससे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है, इनका क्या कहना है, सर मैं जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हूँ, यदि ओबीसी कैटेगरी वाले के साथ उनका कास्ट सर्टिफिकेट लेके फॉर्म को अप्लाई करें और पेट्रोल पंप लेता है, तो इस केस में जो ओबीसी कैंडिडेट है, जो भी ओबीसी कैंडिडेट है, क्या भविष्य में उसके बच्चों की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, कृपया जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर वो ओपन कैटेगरी से है और वो किसी दूसरे व्यक्ति से, अपने फ्रेंड से लेता है उनका सर्टिफिकेट और उनके नाम पे एप्लीकेशन करवाता है, ठीक है। तो लीगली दोस्तों वो पेट्रोल पंप उस व्यक्ति का है जिसका फॉर्म अप्लाई किया गया है या जिसके नाम से एप्लीकेशन है, जिसको LOI मिलेगा, ठीक है। अब जिसके भी नाम से है दोस्तों, वो तो पेट्रोल पंप चला ही सकता है, बट उनके बच्चों की बात करें तो वो फ्री हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे हैं इस पेट्रोल पंप को, ठीक है, उस पेट्रोल पंप को वो खुद नहीं चला रहे हैं। दैट इज उनके बच्चों पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी, इन फ्यूचर वो प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा और आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन अच्छा है, बट एक चीज है कि आप किसी दूसरे के नाम पे अप्लाई करवाते हैं तो उसमें दूसरे के नाम पे अप्लाई करवाते हैं तो उस पे 51% का शेयर हमेशा उनके पास रहेगा और उनके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऑनलाइन में अगर कोई कमी हो गई हो तो सही कैसे होगा, इसको बताएं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, सपोज दैट आपने अपने नेम में कुछ मिस्टेक कर दिया या एड्रेस में कुछ मिस्टेक कर दिया या आपने गलत जमीन की डिटेल्स को डाल दिया, इस केस में दोस्तों आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय फॉर्म को कैंसिल करने का। तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है, अगर उसमें मेजर मिस्टेक है, दैट इज उसमें आपने लैंड का, जमीन की जो डिटेल्स है वो आपने गलत डाल दी है, या आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी मिस्टेक कर दी है, या फिर आपने गलत एप्लीकेशन कर लिया है, दैट इज जिस एडवर्टीजमेंट में करना था उसमें ना करके दूसरे एडवर्टीजमेंट पे आपने कर लिया है, तो इस केस में दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन है, आप फॉर्म को कैंसिल कर दें, ठीक है। फॉर्म को कैंसिल करके आप फिर से नया फॉर्म डाल सकते हैं, उसका एक ही सलूशन है, ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ये पूछे हुए हैं ऋषिकेश सिंह जी ने। ऋषिकेश सिंह जी ने पूछा है कि सर अमाउंट चेंज कर सकते हैं क्या, अमाउंट दैट इज वो सीसी साइट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको जो भी बिडिंग अमाउंट होगा उसको वो चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस केस में भी वो कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन वही है, फॉर्म को कैंसिल करें और दूसरा फॉर्म आप सबमिट करें। फॉर्म कैंसिल करने के बाद जो भी आपकी फी लगी है, गवर्नमेंट को फी गई है, कंपनी को फी गई है, वो आपका एक्से रिटर्न नहीं होगा,
वो नॉन रिफंडेबल फी था, आप फॉर्म को कैंसिल करके बिडिंग में चेंजेस कर सकते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसको देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ द लैंड इज इन माई कजिन्स नेम, कजिन ब्रदर्स नेम, डू आई नीड टू मेक लीज डीड बिफोर एप्लीकेशन और अपेंडिक्स इज एनफ। गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक जितने भी लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन है या उनके फैमिली की जमीन है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो अपेंडिक्स थ्री लेके आप ग्रुप वन में आते हैं तो उसमें कुछ रिलेशंस हैं। कौन कौन से रिलेशंस हैं? आपके मदर या फादर की जमीन हो, आपकी ब्रदर सिस्टर की जमीन हो, आपकी हस्बैंड वाइफ के नाम से जमीन हो, आपके स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर के नाम से जमीन हो, सौतेले बाप, तो इस केस में दोस्तों ग्रैंडफादर की जमीन हो, तो इस केस में दोस्तों आप ग्रुप वन में आ सकते हैं अपेंडिक्स थ्री लेके। बट अगर कजन ब्रदर की है, दैट इज चाचा के लड़के की है या मामा के लड़के की है, इस केस में दोस्तों आपको क्या करना होगा, उनसे एक लीज डीड लेना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लीज डीड नहीं लेंगे तो ग्रुप वन में नहीं आ सकते हैं। अपेंडिक्स थ्री भी आप ले सकते हैं, बट अपेंडिक्स थ्री लेके इस कंडीशन में आप ग्रुप टू में जाएंगे। तो ये डिसीजन आपका है कि आपको ग्रुप वन में अप्लाई करना है या ग्रुप टू में अप्लाई करना है, ये आपको अपना समझना है। अगर ग्रुप वन में अप्लाई करना है तो देन आपको लीज डीड करवाना पड़ेगा, और अगर आपको ग्रुप टू में अप्लाई करना है तो अपेंडिक्स थ्री लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन और है, ये अशोक जोशी जी पूछ रहे हैं, सर सीएनजी भी साथ में मिल जाएगा? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे वाले आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो अपने उस रिटेल आउटलेट पे दे धीरे धीरे करके वहाँ पे सीएनजी सेटअप करेंगे, और उसका जो एक्सपेंस होगा, उसकी जो कुछ डिपॉजिट होगी वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें भी सीसी साइट, डीसी साइट या सीएफएस साइट की बात होगी, तो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी कुछ अपनी फीस है, कुछ उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, उसको करके आप जमा करके सीएनजी भी ले लेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि सर मुझे पार्टनरशिप हटाना है तो कैसे हटाऊं? मतलब इन्होंने दोस्तों फॉर्म जो अप्लाई कर दिया है वो अप्लाई किया हुआ है किसी के साथ पार्टनरशिप में, तो दोस्तों अगर आपने पार्टनरशिप में अप्लाई कर दिया है तो इस केस में फिर से वही केस आता है कि आपको अपना फॉर्म कैंसिल कीजिए, और जो भी आपकी गवर्नमेंट फीस गई है या कंपनी को जो भी फीस गई है, सपोज दैट आपने दो पार्टनर हैं और 10,000 रुपए की फीस गई है, तो आपकी 20,000 रुपए की फीस टोटली नॉन रिफंडेबल है, तो वो आपको रिफंड नहीं होगी, उतना आपको आपका लॉस होगा। बट आप इस तरह से फॉर्म को कैंसिल करके जो पार्टनरशिप है उसको खत्म कर सकते हैं और नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन और आ रहा है, सर अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हम रिटेल आउटलेट ले सकते हैं क्या? ये शानू जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सपोज दैट मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सपोज दैट मैं पटना से हूँ, तो क्या मैं पटना के बाहर भी पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या ले सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और सपोज दैट वो आपको पेट्रोल पंप अलॉट हो जाता है तो आपको पेट्रोल पंप आप चला सकते हैं, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कंपनी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बट ये है कि जो क्राइटेरिया होना चाहिए इंडिविजुअल्स के लिए वो फुलफिल होना चाहिए, और जो लैंड की क्राइटेरिया है, ठीक है, वो आपका फुलफिल होना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी आपका अरेंजमेंट हो रहा है जहां से आप जमीन दे सकते हैं और वहां पे जमीन का अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करना है या अपने लोकल एरिया में ही अप्लाई करना है। ये दोस्तों इसलिए लोग अपने लोकल एरिया और अपने डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको इजिली उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके अपने रिलेटिव्स होते हैं, तो वहाँ से उनको इजिली लैंड की अरेंजमेंट हो जाती है, इस वजह से लोग अपने डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही अप्लाई करते हैं। बट आप दोस्तों स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इनकेस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी आपको पेट्रोल पंप आप चला सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर कंप्लेन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों कंप्लेन के रिगार्डिंग वीडियो की हम बात करें तो कंप्लेन में दोस्तों क्या है
कि इसमें आपको जब भी कंप्लेन करना हो, किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करना हो, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो क्या क्या हैं वो मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। दोस्तों, कंप्लेन करना बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप इजीली कर सकते हैं, बट इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसको फॉलो करते हुए ही आप पेट्रोल पंप पर जो भी कंप्लेन है वो कर सकते हैं। क्या है? एनी कंप्लेन शुड बी अकम्पेंड बाय अ फीस ऑफ 5,000 रुपीज़। मतलब दोस्तों, आपको अगर कंप्लेन करना है तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, और वो फीस जो देंगे वो जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बैंक होगा उसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसमें क्या है दोस्तों, जो भी आप कंप्लेन करते हैं वो कंप्लेन बिना फीस की अगर जाती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, ये जो आप कंप्लेन करेंगे, ये कंप्लेन आपको पहले भी कर सकते हैं, और सपोज दैट आपका ड्रॉ ऑफ लॉट्स, कंप्लेन रिसीव बिफोर ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑब्लिक बिडिंग प्रोसेस अलोंग विथ रिक्वेस्टेड फी ऑफ 5,000। मतलब जो कंप्लेन है वो ड्रॉ ऑफ लॉट या बिडिंग के पहले भी कर सकते हैं या उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसमें मिनिमम 5,000 रुपीज़ की जो आपको फीस है वो आपको देना पड़ेगा उस ऑयल मार्केटिंग कंपनी के फेवर में, जो भी उनका बैंक होगा उसके फेवर में आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको वहाँ का जो भी आपका रीजनल ऑफिस होगा, आपको रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करना है और वहाँ पे जाके आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करनी है। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर कंप्लेन अभी करना है तो अभी कर सकते हैं, या फिर अगर ड्रॉ ऑफ लॉट्स या बिडिंग होता है उसके 30 दिन के अंदर ही अगर आप करेंगे तब तो उस कंप्लेंट पे कोई एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज दो है दोस्तों आपका कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ फैक्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि कंपनी को ये विश्वास हो कि आप सही कह रहे हैं, अदरवाइज आपके उस कंप्लेन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कंप्लेन करने के लिए आप अपने रीजनल ऑफिस में जाएं, वहां से कॉन्टेक्ट करें, वहां पे सारे प्रोसीजर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक चैनल पे सब्सक्राइब करना मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है, और जितनी ही आप सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उतना ही मुझे सपोर्ट मिलता है और उतना ही मुझे एनर्जी मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।